हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि कल 4 जनवरी को दो शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ है और 60% उपस्थिति रही है, मतलब करीब 2.5 लाख 3 लाख के आसपास स्टूडेंट ने यह एग्ज़ाम दिया है। और इसमें आप लोगों को पता ही है कि करीब 8 to 15 times स्टूडेंट्स टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे और फाइनल कट ऑफ जो डिसाइड होगी वो ज़्यादातर एकेडमिक्स पे ही डिसाइड होने वाली है, क्योंकि रिटर्न में तो 5 से 10 मार्क्स का अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इससे ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ने वाले लोगों के मार्क्स जो है वो वहीं तक रहने वाले हैं। फिलहाल हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड शिफ्ट का GS हार्ड था, कुछ बोल रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग हार्ड थी, कुछ बोल रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग हार्ड थी। इस चीज़ को आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो भी हार्ड था या सिंपल था इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस आने वाला है और वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हो ही जाएगा, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कट ऑफ जाने के क्या चांसेस हैं। और टाइपिंग में देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि टाइपिंग में जो स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, अगर किसी का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है और फिर भी वो टाइपिंग नहीं मार पाता है तो आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बावजूद आजकल जॉब्स जो हैं काफ़ी आ रही हैं, तो लोगों को अगर इससे अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो लोग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसके कारण आप लोगों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो अगर आपके टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो काफ़ी हद तक आपके चांसेस भी बन जाते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं हम कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, और टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इसकी टाइपिंग ऐसा भी नहीं है कि बहुत ईजी है कि हर कोई कर लेगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं, पहले हम मेल और फीमेल की बात करेंगे अलग से भी। तो पहले हम मेल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि मेल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अगर आप UR कैटेगरी से हैं, देन आपके 80 क्वेश्चन प्लस माइनस, यहाँ पे हम 3 की बात करेंगे, अगर आपके इतने क्वेश्चंस ठीक हो जा रहे हैं निगेटिव हटा के, अगर निगेटिव मार्किंग करने के बाद आपके मार्क्स इतने मार्क्स नहीं क्वेश्चंस अगर 80 आपके ठीक हो रहे हैं और आपके 40 मार्क्स आ जा रहे हैं, 40 से 42 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, देन काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि आप लोग टाइपिंग के लिए सेलेक्ट हो जाएं। इसी तरह से OBC में और UR में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इसी वजह से बोल रहे हैं कि 78 क्वेश्चंस और 39 मार्क्स अगर आपके आते हैं प्लस माइनस 3, देन आपके बहुत हद तक चांसेस होंगे। इसी तरह से बात कर लेते हैं हम SC की। तो SC में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा और ये यहाँ तक 75 क्वेश्चंस अगर आप करके आते हैं तो आपके बहुत हद तक चांसेस होंगे, जिसमें 37.5 मार्क्स आपके आ रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ST की, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग भी है। तो क्योंकि आप लोगों को पता है जब एग्ज़ाम देके निकलते हैं देन आपको लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है, और क्योंकि पेपर ईजी आया था उसके बाद पता चलता है अरे यार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बाद में पता चलता है जब आंसर की आ जाती है। अभी तो आपको लगेगा कि ये कट ऑफ बहुत कम है, कुछ लोगों को लगेगा बहुत कम है और कुछ लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल जो बात पता चलेगी वो पता चलेगी आंसर की आने के बाद कि कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चों से हो जाती हैं। तो ST की कट ऑफ की बात करने वाले हैं, तो ST की कट ऑफ रहने वाली है 72 क्वेश्चंस और 36 मार्क्स के आसपास, और सबसे कम जो कट ऑफ रहने वाली है वो यहाँ रहेगी एक्स सर्विसमैन और PH कैटेगरी। अगर ये लोग 56 to 60 क्वेश्चन भी अगर ये करके आए हैं देन, और बिल्कुल इनके क्लियर हैं ये क्वेश्चन, अटैम्प्ट तो इनका ज़्यादा रहा होगा, लेकिन अगर कार्ड फिटने के बाद इनके अगर इतने क्वेश्चंस ठीक होते हैं देन, मतलब 28 से 30 मार्क्स आते हैं, तो देन बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे इनके। बात कर लेते हैं कि गर्ल्स की कट ऑफ। तो गर्ल्स की कट ऑफ में मैं आपको बताऊं, तो UR और OBC में गर्ल्स में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 2 मार्क्स का भी बहुत हद तक अगर फ़र्क पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा, बाकी SC ST में काफ़ी हद तक देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो कट ऑफ बोल रहे हैं, अगर फीमेल की बात करेंगे देन 78 क्वेश्चंस या 77 के आसपास अगर UR में करके आ रहे हैं देन बहुत अच्छा है, और उसके अलावा अगर OBC में बात करें तो इसका भी यही है, 76 to 78 अगर इनके क्वेश्चंस हैं गर्ल्स के, और SC ST में आप लोग बात करेंगे तो इनका 70 तक हो जाना चाहिए, बाकी अगर PH है तो इनका 50 तक भी बहुत हद तक चांसेस हो जाएंगे। तो फिलहाल ये कट ऑफ के बारे में बात थी जो आप लोगों को शायद समझ आया होगा। और आप लोगों को पता ही है कि हिंदी भी इतनी मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, भले ही सिलेबस से ही था सब कुछ, कुछ चीज़ें इन्होंने छोड़ दी थी। तो आपका जो है अगर 42 के आसपास अगर ठीक होते हैं क्वेश्चन तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट रहा। रीजनिंग में बात कर लेते हैं तो अगर 18 प्लस हो रहे हैं तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, और उसके अलावा GS में बात करें तो 20 प्लस अगर आपका अटैम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। इसके हिसाब से यही कट ऑफ रहनी चाहिए, बाकी ये एक एक्सपेक्टेशन है
और आप लोग भी देख सकते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, बाकी सारी चीज़ें डिसाइड होंगी आंसर की के बाद, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा अरे यार ये इतनी छोटी भी गलती हो गई है। तो फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चंस डेली पोस्ट किए जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन पर प्रेस करते हैं देन आपको डेली कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट में अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं ये बताना ना भूलें, अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट में कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कितनी कट ऑफ जानी चाहिए टाइपिंग के लिए।